उनके उम्मीदवारों की तारीख में इंशाल्लाह इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों के बीजेपी गए कहीं यही बात तो नहीं है कि तुमने अखलाक को शहीद कर दिया, जुनैद को शहीद कर दिया, पीरू खान को मार दिया और आसाम में एक 70 साल जई आई वो जिसका नाम नाथूराम गोडसे है उसका ताल्लुक कौन से मजहब से था? क्या मसउद्दीन ओवैसी का साला था? नाथूराम गोडसे क्या मेरा ससुरा था? आप कुछ नहीं कहेंगे। उनका कत्ले आम हुआ वो करने वाले क्या हमारे भाई थे? कौन थे बताओ आप जिन्होंने 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी, लिख कर देने के बावजूद भी 6 दिसंबर को जो हरकत की गई, जो क्रिमिनल एक्शन लिया गया, बताओ वो कौन लोग थे? यानी बीजेपी पूरे मुल्क में एक फिरका परस्ती का माहौल बर्पा कर रही है और नीतीश कुमार उनका पूरी तरीके से नीतीश कुमार उनका साथ दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको इन तमाम अहम चीजों पर, इनके बयानात पर आपको जरा गौर से देखना है और सही फैसला लेना है। आप जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम बने, आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी की तारीख लिखी जाएगी तो मौर्रख ये लिखेगा कि ये शख्स जब हिंदुस्तान के अजीम वजारत उस्मा के अहदे पर फायज हुआ, इसके दौर में गाय के नाम पर हुजूमी तशद्दुद में कई लोगों को निशाना बनाया गया और इसलिए बनाया गया क्योंकि हुजूमी तशद्दुद में जिन लोगों ने मासूम लोगों का कत्ल किया उनको मारा, उनको यकीन था कि नरेंद्र मोदी हमारा चौधरी है और हमको कुछ नहीं हो सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी देखते हैं कि जो वादे हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी ने किए थे, 2014 में नरेंद्र मोदी बिहार के आजाद मैदान में आकर, पटना के आजाद मैदान में आकर कहा था कि अच्छे दिन, तो बिहार की जनता ने कहा कि आएंगे। आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में अच्छे दिन की बात नहीं करता क्योंकि उसको मालूम अगर बिहार में आकर अच्छे दिन की बात नरेंद्र मोदी करेगा तो बिहार की जनता उससे पुकार कर कहेगी कि प्यारे हमारे बुरे दिन तू लौटा दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के नौजवानों से वादा किया था कि वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। आप खुद फैसला करिए कि हमारे वतन अजीज में 25 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों की आबादी 50% है। आज ये नरेंद्र मोदी 5 साल के बाद कितनों को नौकरी दिए नहीं बोलता है, कितनों को नौकरी मिली नहीं कहता है और क्या कहता है? जब जनता पूछती है कि मेरे बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिली तो नरेंद्र मोदी बोलता कि मैंने बालाकोट पर हमला किया। जब आप पूछते हैं कि नोटबंदी के नाम पर गरीबों को नुकसान हो गया तो मोदी कहते हैं कि मैं पड़ोसी मुल्क में घुसकर मारा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। जो वादे हिंदुस्तान की आवाम से किए गए थे वो तमाम गलत और झूठ साबित हुए। हिंदुस्तान का ये वजीर आजम सबसे बड़ा झूठा है। नरेंद्र मोदी झूठों का बादशाह है, झूठों का शहंशाह है, इसकी कोई बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप खुद देख लीजिए कि ये सरकार के पास दिखाने को कुछ नहीं है, इसीलिए आज नफरत की बातें की जा रही है। अमित शाह कहता है कि अगर हमको दोबारा इख्तदार मिलेगा तो हम NRC बनाएंगे। मेरे भाई आखिर ये करना क्या चाहते हैं? अमित शाह ये कहता है कि जितने जो मुसलमान छोड़कर जितने घुसपैठी हिंदुस्तान में उनको रहने की इजाजत मिलेगी माँ बाकी तमाम को निकाल कर फेंक दिया जाएगा। बताओ अमित शाह आखिर आपको इतनी नफरत क्यों है? आपके जबान पर इतनी नफरत क्यों है? क्या हो गया है हिंदुस्तान का संविधान? क्या तुमको इस बात की इजाजत देता कि तुम एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ इतनी नफरत पैदा करो?
मेरे भाई ये एनआरसी का नाम लेकर निशाना बनाया जा रहा है उन लोगों को, कल के दिन ये लोग कहेंगे राज नहीं चलेगा। मगर बताओ, क्या नीतीश कुमार ने आपको धोखा नहीं दिया? क्या नीतीश कुमार ने आपको धोखा नहीं दिया? क्या जो पार्टी कांग्रेस आपसे वोट मांगी थी कि हमको वोट दो मोदी करो कहेंगे, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? तो फिर बताओ आपकी बार आप क्या कर रहे हैं, करने वाले हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूं मेरी बात को गौर से सुनो। यकीनन मुझे दुनिया का तजुर्बा नहीं है, मैं सियासत में सिर्फ मुझे 24-25 साल हुए हैं, मुझे उतना लंबा तजुर्बा नहीं है। मगर मुझे अल्लाह ने इतनी सलाहियत तो दी कि मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। याद रखो, सीमांचल की अगर तरक्की चाहते हो, किशनगंज की तरक्की चाहते हो, तुम अपनी एक सियासी आजाद आवाज को पहुंचाना चाहते हो, तो यकीन मानो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है कि सिवाय इसके कि आप अख्तर अली मां को 18 तारीख के दिन कामयाब और कामरान करें। ये नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी मुझे याद दिलाती है लैला मजनू की मोहब्बत की दास्तान। ये नीतीश और मोदी, ये लैला मजनू की तरह इनकी मोहब्बत बड़ी मजबूत है, ये कभी खत्म होने वाली मोहब्बत नहीं है। और आज ये जेडीयू का जो एमएलए है, बताओ तुम्हारी गीरत, तुम्हारी हमियत मर गई क्या? जब शौकत को मारा जा रहा था यहां से कोचा दामन से, जेडीयू का एमएलए है, क्या तुम इंसानियत खत्म हो गई? जब मशरकी चंपारण में उफरान नामी एक बच्चे को मशरकी चंपारण की पुलिस उठाकर लेकर जाती है और 24 घंटे के बाद वो उफरान जो 4 साल के बाद अपने घर को वापिस आया था, 24 घंटे के बाद उसकी लाश उसके घर को जाती है और लाश देखकर माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमारे बेटे के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, आखिर क्यों पुलिस लेकर गई? और जब लाश आई तो उसकी माँ ने पुकार कर मीडिया से कहा कि मेरे बेटे के पैर के उंगलियों पर कील मारी गई थी। ये बताओ, पूछो इस एमएलए से जो पुकार पुकार कर कह रहा था वो इसी फिरका परस्त है, वो कठुआ है। अरे जो कट रहे हैं, इंसान कट रहा है तुम्हारे नीतीश के राज में। अरे अगर तुम में इंसानियत जिंदा है तो आवाज उठाओ। तुमको कोचा दामन की आवाज ने गूंगा रहने के लिए वोट नहीं डाला था, लड़ने के लिए डाला था कि अगर कोई गुफरान नाम का बच्चा मर जाएगा तो तुम तुम्हारे बाप नीतीश कुमार के पास जाकर उससे कहते तो मगर नहीं, तुम डरते हो नीतीश से, तुम डरते हो मोदी से। और मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि मैं ना मोदी से डरता हूं, ना नीतीश से डरता हूं, ना हुकूमत से डरता हूं, ना ताकत से डरता हूं, ना मौत से डरता हूं। मुझे डर है तो सिर्फ अल्लाह का डर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज वो बच्चा मजो बच्चे मर गए, अभी तक 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मशरकी चंपारण का इंस्पेक्टर भाग रहा है, पुलिस नहीं पकड़ सक रही है। अगर बिहार के किसी जगह पर एक नौजवान पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंककर शीशा तोड़ देगा तो कोई मायूब बात, मजीब बात नहीं होगी कि पूरी पुलिस उसके घर पर पहुंचकर उसके घर की छानबीन करेगी, उसके बाप को ले जाकर थाने में मिटा देगी, पीटेगी, बता तेरा बेटा क्या है जिसने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मगर वो पुलिस मशरकी चंपारण का जिसने गुफरान की जान ले ली उस बच्चे के साथ, उसके पैर में कीड़े मार दिए, तुम नहीं पकड़ सकते नीतीश कुमार। बताओ जो लोग जेडीयू की तारीफ कर रहे हैं, अगर तुम्हारे बेटे के साथ कोई पुलिस करती तो तुम क्या करते बताओ? फर्क सिर्फ इतना है ना कि मरने वाला तुम्हारे खून का नहीं है, वो गरीब जिसकी आवाज नहीं है उसकी आवाज अख्तर उल ईमान और सऊदीन अवैसी बनकर इंसाफ का मुकाबला कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझना है आपको कि क्या किया जा रहा है बिहार में, क्या क्या नहीं फसाद नहीं हुआ पिछले साल, इतना बड़ा फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार?
ये लैला मजनू को कोई फिक्र नहीं है, ये दोनों की इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि किसी ने कहा कि नीतीश कुमार को रात में नींद नहीं आती जब तक मोदी की आवाज नहीं सुन लेते। तो इंशाल्लाह ताला अब यहीं से तुमको हम आवाज लगाएंगे, कोचा दामन से, सीमांचल से, किशनगंज से आवाज आएगी। सुनो नीतीश कुमार कि अब सीमांचल और किशनगंज की आवाम तुमको पुकार कर कह रही है कि सरजमीन पर इंशाअल्लाह ताला अब दोबारा मोदी और नीतीश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। जिन्होंने हमसे धोखा दिया हम उन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारा वोट लेकर हमको दगा दिया, जिन्होंने हमसे कहा था कि मोदी को रोकेंगे और हमारी पीठ पर खंजर मारा, हम उन पर कभी यकीन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज सीमांचल की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। अच्छा, ये तो नीतीश कुमार यहां से उधर वहां से उधर कूदते रहते हैं, ये पार्टी से वो पार्टी से ये पार्टी से ये। मैं अपने बचपन में एक कहानी पढ़ा था, एक जंगल में एक शेर था अख्तर उल ईमान की तरह। तो हुआ ये कि जंगल में जितने दूसरे जानवर थे ये नीतीश के बारे में कोई बात करते, तो पूरे जंगल के जितने सांप बिच्छू ये जितने सांप बिच्छू सब जमा हुए, बोले भैया कब तक चलेगा इस शेर का राज, इस शेर के राज को खत्म करना पड़ेगा। बोले क्या करना चाहिए, सब मिले, हाथी जो सब जो जो थे, गेंडे मेंढक सब मिले, चूहा। तो बोले अब हमको अपना एक नया अमीर चुनना है, नया लीडर चुनना। तो सबने कहा किसको बनाए, तो कहा कि भाई मैंने बनूंगा। तो आखिर में सब मुत्तफिक हुए कि भाई इस बंदर को अपना लीडर बना, उसको बना दिया गया। अब हस्ब रिवायत शेर तो जंगल का शेर है, उसको खाना है, वो निकला एक अपनी गिजा ले लिया। फिर पूरे पंचायत बैठी और बोलिए क्या कर रहे हैं, बुलाकर पूछे कि तुझको हमने अपना बड़ा बनाया, मुखिया बनाया, तो क्या कर रहा है। बोले मैं काम कर रहा हूं। बोले क्या काम कर रहा है। बोले मैं ये झाड़ से वो पेड़ से वो पेड़ की डाली ये डाली से वो डाली ये डाली से ये डाली इधर से उधर उधर से ये काम हो रहा है बिहार में। तुम देखना 23 मई के बाद जब नई सरकार बनेगी तो नीतीश फोन करेगा उस गवर्नमेंट को, मैं आने तैयार हूं, मैं आने तैयार हूं। अरे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठो, इंशाअल्लाह ताला अख्तर उल ईमान कामयाब होकर सीमांचल और किशनगंज से दिल्ली जाएगा। और सुनो नीतीश कुमार, अख्तर उल ईमान किशनगंज से दिल्ली जाएगा, मगर दिल्ली से किशनगंज को नहीं आएगा, पटना को जाएगा, पटना को। और इंशाअल्लाह ताला हम ये हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई जारी और सारी रहेगी। अब रहा सवाल जावेद का, ये क्या बोले इसके बारे में, क्या बोले। अरे एक पंजाब का मिनिस्टर आया जिसका नाम जो भी है, वो तकरीर कर रहा है, अजा होती है, ये जावेद में इतनी हिम्मत नहीं है कि उठकर बोले कि सर अजा हो रही है थोड़ा खामोश 2 मिनट के लिए, वो नहीं बोल सकते अजा हो रही है और ये बुखा जा रहा है बोले जा रहा है। अरे किशनगंज की गयूर आवाम सुनता के मेरे बहादुर नौजवानों, जो उम्मीदवार कांग्रेस का अपनी पार्टी के एक मिनिस्टर को अजा के वक्त खामोश नहीं करा सका, वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तुम्हारी आवाज कैसे बनेगा बताओ, वो तुम्हारी आवाज नहीं बन सकता। याद रखो ये पार्टी कांग्रेस हो या नीतीश हो, ये ऐसे ही लोगों को चाहते हैं जो उनके सामने जबान ना खोले, जो उनकी ताबेदारी
उनसे भीख मांगे। मदरसे इत्तेहाद और मुस्लिमीन इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से भीख नहीं मांगेगी। हमको संविधान ने हक दिया, हम छीन कर हासिल करेंगे। मदरसे इत्तेहाद और मुस्लिमीन गिड़गिड़ा कर गुलामी नहीं करेगी। हम सीना तान कर मोदी नीतीश के आंखों में आके डाल कर अपनी इज्जत की बात और इंसाफ की बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कौन है ये लोग, कहां से आ गए ये लोग जो इस तरह का मिजाज लोगों को दे रहे हैं। मैं नौजवानों तुमसे ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, ताकतवर वो है। कौन है ताकतवर? लोग बोलते नहीं नहीं ये कानून वो कानून, अरे छोड़ो, ताकतवर वो है जो मकड़ी के जाले को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये मकड़ी का जाला है, इसको तोड़ो, आगे बढ़ो। आज तुमको अपने मुकद्दर के फैसले करना है। 60 साल से कांग्रेस और नीतीश कुमार जैसे लोग हमारे मुकद्दर के फैसले कर रहे थे और हमको ऐसी गुर्बत में मुब्तला कर दिया, मुफलिसी में मुब्तला कर दिया, हमको ऐसी जगह पर छोड़ दिया, ऐसी राह पर लाकर छोड़ दिया कि यहां के इस इलाके के 12-13 साल के बच्चे हैदराबाद और मुंबई के शहरों में जाकर काम करते हैं, काम करते हैं। सुनो सुनता की आवाम, मैं तुमसे एक पैगाम देने तुमको आया हूं कि हैदराबाद में मेरे घर के सामने जो मस्जिद में नमाज पढ़ता हूं, वहां पर एक लकड़ी की दुकान में तुम्हारे सीमांचल का एक 14 साल का बच्चा काम करता है। मैं जब यहां पर आ रहा था नमाज असर के बाद उससे मिला और मैंने कहा कि बेटा मैं जा रहा हूं तेरी सरजमीन पर। उस बच्चे की आंखों में आंसू थे, वो बोला कि साहब कुछ भी हो जाओ, अब के बार अख्तरुल ईमान को कामयाब करना, कामयाब करना। मैं उससे पूछा कि तेरे आंख में आंसू क्यों आए, तो बोला कि देखो मैं दिन दिन भर 10-10 घंटे जगह पर काम करता हूं, अगर मुझसे इंसाफ होता सीमांचल में तो मुझे 2000 किलोमीटर का सफर करके हैदराबाद में आकर अपने गरीब माँ बाप के लिए पैसे नहीं कमाना पड़ता। सोचो आप थोड़ी देर के लिए, ये बच्चों की उम्र अपने माँ बाप के करीब रहने की है, मगर जिसने हुकूमत की हमारे बच्चों को हमारे से दूर कर दिए। मैं उन माओ से कह रहा हूं कि जिसने तुम्हारे औलाद को तुम्हारे करीब रहना था उन लोगों को दूर भिजा दिया। मेरे भाई उठो, ये तारीखी मौका तुमको अल्लाह की तरफ से आया है कि जमहूरियत में तुमको अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने पार्टी को कामयाब करना है। और मजलिस क्या कर रही है, 371 को लेकर हमने पार्लियामेंट में एक बिल डाला है। 371 क्या है? 371 ये कहता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई पसमानदा इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, जहां पर बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं, जहां पर हमारी खवातीन हमल के दौरान उनका इंतकाल हो जाता है, जहां पर बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, जहां पर सैलाब आया तो जमीन कट जाती है और उसके बाइस हजारों की तादाद में लोग एक एक महीना अपने घरों से दूर रहते हैं, इसके लिए संविधान में बात रखी गई कि आप एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बना सकते हैं। और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सीमांचल के लिए एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बने, ताकि आपका पैसा जो आएगा वो आप तय करेंगे कि सीमांचल में कौन सा काम पहली तरजीहात आप तय करेंगे, प्रायोरिटी को उसके मुताबिक वो काम होगा। रोजगार जितने नौकरियां सीमांचल में निकलेंगी, सबसे पहले हक सीमांचल के लोगों को उस गवर्नमेंट की नौकरियों में मिलेगा। ये काम मजलिस कर रही है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था वो मजलिस राह दिखा रही है आपको, और उसका पूरा क्रेडिट अख्तरुल ईमान को जाता है। अख्तरुल ईमान ने आकर मुझसे कहा कि ये काम हमको करना, मैंने कहा लाइए। हमने एक बिल बनाया और बहसे तो रुकने पार्लियामान, मैंने उस बिल को पार्लियामेंट में पेश भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं समझता हूं कि एक अच्छा मौका हमारे पास आया है। आपकी कामयाबी इसमें है कि हम अब अख्तरुल ईमान को डालकर कामयाब करें,
कांग्रेस पार्टी के पास कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक ही झोला है कि ओवैसी फिरका परस्त है, ओवैसी फिरका परस्त है, ओवैसी कम्युनल है। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, जिस रियासत तेलंगाना से मैं आता हूं, उस रियासत में 3 महीने पहले असेंबली के इलेक्शन हुए, उस असेंबली के इलेक्शन में हमारे पास 119 असेंबली की सीटें निशिष्ट है। 119 में से 102 सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। बताओ किसने करवाया ये जमानत जब्त बीजेपी की? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चंद्रशेखर राव वहां के वजीर आला के साथ करवाया। एक पार्लियामेंट की सीट थी बीजेपी के पास। इंशाल्लाह जब 23 मई को नतीजा आएगा तो तुम देखना कि सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट इंशाल्लाह बीजेपी हारेगी वहां पर। ये काम कौन कर रहा है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। और कांग्रेस के लोग बोलते वोट कटवा, अरे तुमने मोदी को रोकने के नाम पर वोट लिया था और तुम्हारा नीतीश दौड़कर मोदी के पास चला गया। बताओ अगर वोट कटर की बात है तो अब बोलो कैसा लगा तुमको, तकलीफ हुई तुमको भी? आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हमको अपनी एक आजाद आवाज की जरूरत है। और याद रखिए हिंदुस्तान की जमहूरियत की, हिंदुस्तान की जमहूरियत की रियलिटी क्या है? हिंदुस्तान की जमहूरियत की हकीकत यह है मेरे भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। याद रखो, तुम्हारे पास लाठी नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे लड़ने वाला कोई नहीं है, इसीलिए कोई पलट कर नहीं पूछता। और ये कांग्रेसी बोलते हैं एक अख्तर उल ईमान जीत कर जाएगा तो क्या होगा? सुनो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, तुम्हारे सामने असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ है। मैं भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अकेला हूं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 100 मोदी के ऊपर भारी हो। बीजेपी के पास 280 एमपी और मुझे पार्लियामेंट में तकरीर करने का मौका मिलता सिर्फ 5 से 6 मिनट, और 5 से 6 मिनट में पूरे बीजेपी के आरएसएस की जहनियत के लोग दौड़ दौड़ कर आकर बैठ कर पार्लियामेंट में सुनते हैं कि अब देखेंगे ये दाढ़ी वाला क्या बोलता है, क्या कहता है। दूसरों को नहीं सुनते बैठकर। मेरे भाई ये ताकत आपकी है, मेरी नहीं है। मेरी पहचान आपसे है। और ये बोलना कि एक क्या करेगा, जब दिसंबर 2017 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया था, उस वक्त उस बिल की मुखालिफत किसने की? कांग्रेस ने की या मजलिस ने की? बताओ आप, क्या कांग्रेस ने मोदी की तारीफ नहीं की ट्रिपल तलाक में? कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के बिल में नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तारीफ की। मैं तरमीमात पेश किया कि लफ्ज मुस्लिम को निकाल दो और तमाम खवातीन के लिए कानून बन जाए, मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की तारीफ की। यही कांग्रेस के 45 एमपी बीजेपी के 280 एमपी मुझ पर ताने मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और पुकार कर कह रहे थे कि ओवैसी तुम अपनी तरमीमात में शिकस्त खाओगे। मैं मुस्कुरा रहा था, यकीनन मैं अकेला महसूस करा, मगर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मेरा काम उसको निभाना है। मैंने बीजेपी के लोगों को पुकार कर कहा कि तुम नहीं जानते मेरी तारीख को, मेरी तारीख मुझको ये बताती है कि शिकस्त हम कभी नहीं खा सकते, जो काम इखलास की बुनियाद पर किया जाता है वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि 18 तारीख के दिन आप तमाम को सुबह के अवली सातों में अपने घर से निकलकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप अख्तर उल ईमान को वोट देंगे मेरे भाई, अख्तर उल ईमान को वोट देंगे मेरे भाई, पतन साहब को कामयाब करेंगे आप, पतन साहब को कामयाब करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अब ये कांग्रेस के लोग अफवाह फैलाएंगे, अरे ऐसा हो रहा, पूरे किशनगंज का मैं दौरा कर रहा हूं कि सुना भी खत्म नहीं हुआ,
20 अभी लास्ट बॉल डालना है, आईपीएल मैच है अपना। मैं पूरे किशनगंज कॉन्स्टिट्यूंसी का पिछले 3 दिन से दौरा कर रहा हूं, किशनगंज से लेकर हर जगह, हर गांव, हर जगह मैं गया हूं। वहां पे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है मालूम आपको? पतंग की हवा है, पतंग की हवा, पतंग की हवा, पतंग की हवा, पतंग की हवा, पतंग की हवा। अगर पोलिंग से एक दिन पहले कोई कांग्रेसी और मोदी आकर बोलेगा हवा ऐसी है, तो उसके बोलना देख आसमान में सिर्फ पतंग है, पतंग।